हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की, और आज के टॉपिक में वो सभी कंटेंट जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, उसके बारे में पहले बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बैकग्राउंड की बात करेंगे, और उसके साथ ही आर्टिकल 370 की बात करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करेंगे, और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट, ट्रैक्टरी प्रिंसिपल, सेक्शन, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, देन उसके बाद शेड्यूल, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम बैकग्राउंड की। सो गाइज, मैं बता दूं, ये वो सारे जो आप देख रहे हो हैंड रिटन में, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं खुद, और उन्हीं के स्क्रीन शॉट आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा राइट डाउन ना करना पड़े और इम्पोर्टेंट चीजों को उतारना ना पड़े, आपको सीधा सब कुछ मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, एज यू नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 के, ओके, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग फ्लैग है। देन उसके बाद इंडियन को जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उस टाइम पे मतलब पाकिस्तान ये टॉलरेट नहीं कर पाया, एंड इवन उसने क्लेम किया फॉर श्रीनगर, और उसके बाद उसने 1947 में 6 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कुछ ट्रूपर्स को भेजा था, और जिसके थ्रू उन्होंने J&K स्टेट में अटैक करवाया था। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने उस टाइम पे, जो किंग थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से, और उसके बाद ही पुट अप प्रपोज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, और उसके बाद मतलब उसको साइन करने के बाद J&K जो था, दैट बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो थे, मतलब वो एग्री हो गए इस इंस्ट्रूमेंट पे एंड ऑल दैट। उसके बाद जो इंडियन आर्मी थी वो J&K में आई उनकी हेल्प के लिए, और देन उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मतलब उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो वर्किंग में था, बन रहा था, और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए, और जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो, मतलब उसके वो कंप्लीट हो गया, एंड चेयरमैन जो थे उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर और बाकी सभी मेंबर्स ने, इन सब ने एक पार्ट नंबर 21 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, एंड जिसके तहत अंडर आर्टिकल के तहत एक स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट 1951 में एक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की, ये हेल्ड हुई थी कब, 1951 में, अगस्त 1951 में। उसके बाद 100 मेंबर जो थे वो इलेक्ट किए गए थे फ्रॉम एज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, बट जिसमें से सिर्फ 75 मेंबर्स जो थे वही रहे थे, क्योंकि बाकी जो 25 मेंबर्स थे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से थे, तो इसलिए उनकी सीट जो थी वो वैकेंट रही। नेक्स्ट उसके बाद 45 मेंबर्स जो थे वो कश्मीर के थे, और 30 मेंबर्स जो थे वो जम्मू से लिए गए थे। टोटल 5 ईयर्स लगे थे जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में, एंड 31 अक्टूबर 1951 में फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई थी, और फर्स्ट सेशन जो था वो 5 अक्टूबर 1951 में हुआ था। उसके बाद 17 नवंबर 1956 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी ऑफ जम्मू कश्मीर वो अडॉप्टेड किया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया आफ्टर 5 ईयर, और फाइनली ये इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1957 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनेक्ट, सॉरी, J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनेक्ट हो गया था। उसके बाद उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो थे मौलाना मसूद, और परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे J&K कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो थे मोहम्मद सदीक। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में 13 पार्ट्स हैं, एंड जो 153 आर्टिकल्स को कवर करते हैं। देन उसके बाद ओरिजिनली एंड इन द स्टार्टिंग 7 शेड्यूल्स थे, बट उसके बाद जो है वो 6 शेड्यूल्स ही रहे, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो था वो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें CM होता है, और CM जो है वो फॉर्मली वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जाना जाते थे टिल 1956। उस टाइम पे उनको वजीर आजम और गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ 3 ही मैटर्स पे, 3 ही फील्ड्स में इंटरफेयर कर सकती है जन के स्टेट में, जिसमें फर्स्ट जो है
वो आता है मैटर ऑफ डिफेंस, देन उसके बाद मैटर ऑफ सेल्फ अफेयर्स, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन। ये तीन ही ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइन इन J&K स्टेट, जिसमें क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकता। आर्टिकल 35A के तहत कोई भी बंदा कोई भी आउटसाइडर J&K में जमीन नहीं ले सकता, लेकिन J&K का बंदा कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता है एनीवेयर इन द इंडिया। नेक्स्ट ऑन 26 अक्टूबर 1957 जम्मू एंड कश्मीर जो था बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 370 जो है बेसिकली एक टर्म एक टेम्पररी एक चीज है, टेम्पररी प्रोविजन है जिसको डिसॉल्व किया जा सकता है विद द कन्फेशन या एग्रीमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद कोऑपरेशन, राइट। तो ये आ गया आपका बैकग्राउंड वाला पोर्शन। सो अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली बार बार मुंह पे इंडियन आ रहा, सॉरी। तो फर्स्टली इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल क्या है? देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो इंसर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में, दैट इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फर्स्टली जो हम पढ़ेंगे वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो सेम वैसे ही J&K कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्स्टली आप प्रीएम्बल पढ़ो, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ोगे, प्रीएम्बल देखोगे, सॉरी प्रीएम्बल के बारे में नहीं पढ़ोगे, प्रीएम्बल देखोगे। प्रीएम्बल बेसिकली क्या होता है? प्रीएम्बल इज जस्ट अ यू कैन से सेंट्रल आइडिया ऑफ द कंटेंट। मतलब एक शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन होती है, शॉर्ट में पूरा जितना भी चीजें इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है ना, डिस्क्राइब किया जाता है प्रीएम्बल में। मतलब प्रीएम्बल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है वो चीजें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब की जाती है। सो यहाँ पे वही लिखा गया, वी आर द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल दैट। और यहाँ पर मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो ये है कि मतलब प्रीएम्बल में बताया गया है कि किन किन चीजों पे हमारा हक है और कौन कौन से राइट्स किन किन चीजों पे प्रोवाइड किया गया है टू ऑल द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, ये सब कुछ जो है ये प्रोवाइड मतलब ये इंक्लूडेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन हम देखें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 17 नवंबर 1956 अक्टूबर 1956 को अडॉप्ट किया गया और अनेक्ट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिटरी की। तो जितनी भी टेरिटरीज है स्टेट की और जितनी भी टेरिटरीज कंप्राइज हुई थी 15 अगस्त 1947 में, वो सारी के सारी अंडर सॉवरेनिटी आती है, अंडर द रूलर ऑफ द स्टेट, दैट्स कम्स अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ द रूलर ऑफ द स्टेट, ओके। देन उसके बाद सिटीजनशिप, ये भी एक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का। और जो सिटीजनशिप है दे आर डील्ड विद विद इन पार्ट थर्ड। और उसके बाद सेक्शन 6 जो है सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 6 आती है इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और जिसमें परमानेंट रेजिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का विशेष कि परमानेंट रेजिडेंट एज अ पर्सन हु इज ऑन डीम और टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी सिटीजन है परमानेंट रेजिडेंट है स्टेट के उन सबको माना जाता है सिटीजन ऑफ द स्टेट। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। और उसके बाद इफ दैट पर्सन, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप 10 साल रह गए उसके बाद मतलब 10 साल अगर किसी जगह पर रहते हो, देखो हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है बट अगर हम यहाँ की बात करें तो मतलब 10 साल अगर आप इस जगह पे परमानेंट रह गए तो आपको एक सिटीजनशिप एक तरह की प्रोवाइड कर दी जाती है, तो दूसरा पार्ट उसमें आ जाता है। सो नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे लिखा है कि एक बंदा जो 14 मई 1954 में मतलब से पहले जो है वो रहता है उसको अगर हो यहाँ से तो उसको स्टेट ऑफ सब्जेक्ट जो है क्लास फर्स्ट या थर्ड प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके बाद एक बंदा जो माइग्रेट होता है 1 मार्च 1947 में और उसके बाद मतलब जो टेरिटरी है वो इंक्लूड कर दी जाती है पाकिस्तान में और वापस वो स्टेट में आता है। और देन उसके बाद मतलब जो भी अथॉरिटी ने सेक्शंस लगाई गई हैं कि ये चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको आपको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। देन उसको अगर वो रिटर्न आता है वापस तो वो भी परमानेंट रेजिडेंट जो है वो स्टेट का बन जाता है। तो इस तरह से स्टेट जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट करती है अपने परमानेंट रेजिडेंट को।
नेक्स्ट बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स की। तो जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, सेम वैसे ही फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किए गए हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी सेपरेट चैप्टर नहीं है ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। मतलब जितने भी J&K कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अलग चैप्टर नहीं है फंडामेंटल राइट के ऊपर। अंडर सेक्शन 10 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डिक्लेयर किया गया है कि जितने भी परमानेंट रेजिडेंट हैं स्टेट के, वो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स इंजॉय कर सकते हैं जो दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे स्टेट के परमानेंट जो सिटीजन है वो इंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली जो पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स का, ये आता है पार्ट 3 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दिस राइट वर एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन 1954 में ये जो राइट थे ये एक्सटेंड किए गए थे जम्मू कश्मीर स्टेट में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह ऑर्डर शार्टर जो भी है, ठीक है। सो अब बात करते हैं वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब रिपील कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो लीगल राइट उसको बना दिया, लेकिन ये स्टिल J&K कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके सो ये वही चीजें लिखी गई हैं। सॉरी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज सुनाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो क्या कहते हैं राइट टू फ्रीडम है ये इंडियन के स्टेट में स्टिल इनेक्ट है, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये सिर्फ लीगल राइट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, एक्चुअली हर एक स्टेट का एक एम होता है, कुछ अपने जितने भी लोग हैं उनमें अपनी अपनी स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको एक सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब जस्टिस इन इक्वालिटी, ये सभी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए। सो इसी चीज के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप इस तरह से कह सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज एक तरह के कुछ रूल्स होते हैं जो स्टेट परफॉर्म करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ देयर स्टेट, अंडरस्टैंड। तो सेक्शन 11 से लेकर 25 तक ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये दिए गए हैं, ये सेक्शंस आपको पूछते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वो कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हैं और वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेट को क्या करना होता है, एक सोशलिस्ट ऑर्डर जो है सोसाइटी में वो एस्टेब्लिश करना होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसके बाद इकोनॉमी जो है स्टेट की वो डेवलप होनी चाहिए प्लान मैनर में। उसके बाद स्टेट जो है वो उनको एक स्पीडी इम्प्रूवमेंट जो है वो करना होता है इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल मासेस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, देन उसके बाद स्टेट हैज टू इंश्योर स्पीडी इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल मासेस। ये ऑलरेडी हो गया है, दो बार है उसके लिख दिया यहाँ पे। अब 6 नंबर पे है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब इन दोनों को अलग अलग एंगल से देखा जाए और अलग वर्क किया जाए। उसके बाद राइट टू वर्क एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन प्लेसेस, देन उसके बाद राइट टू चिल्ड्रन, राइट टू वेमेन, प्रोटेस्ट ऑफ एजुकेशन मटीरियल एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेस। उसके बाद आता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, देन उसके बाद आता है आपका ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फोर्स इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म ऑल द कमेंट्स इन द स्टेट। ओके समझ आ गया आपको कि ये सारे के सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट फॉलो करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, और ये सेक्शन 11 से लेकर 25 के अंडर आता है। अब ये है आपका नेक्स्ट फीचर, फ्लैग ऑफ द स्टेट। सो एज यू नो आर्टिकल 370 के अंडर हमको एक नो हमारा एक अलग फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आर्टिकल 144 में स्टेट का अपना फ्लैग है, और इस फ्लैग के बारे में बताया हुआ है कि वो किस कलर का है, उसकी रेशियो क्या है। ओके सो वो आपको आपने देखा हुआ जैन के स्टेट का, अदरवाइज गूगल पे सर्च कर सकते हो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एज यू नो, और दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, और आर्टिकल 146 के अंडर 146 ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट
that the governor would establish an art, culture and language academy. यहाँ पे opportunities जो है वो offered की जाती हैं for the development of art and culture of the state and also for the development of Hindi, Urdu and other regional language of the state as specified in 6th rule. Okay, और 6th rule में कौन कौन सी languages, sixth schedule में, और 6th schedule में कौन कौन सी languages हैं आपका कश्मीरी, डोगरी, पाली, डाटी, पंजाबी, पहाड़ी, लद्दाखी. नेक्स्ट हम अब बात करेंगे सेक्शंस की, और सेक्शंस में आपको मैंने पहले बताया कि 30 सेक्शंस हैं, और कौन कौन सी सेक्शंस में कौन कौन से यू नो सब्जेक्ट मैटर है वो हम पढ़ेंगे. तो पहले फर्स्ट से लेकर सेकेंड जो सेक्शन है वो कवर करती है आपका प्रिलिमिनरी मतलब प्रीएम्बल्स, देन उसके बाद 3 से लेकर 5 तक में आपके स्टेट्स के रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं, 6 से लेकर 10 तक आपके सिटीजनशिप मतलब परमानेंट रेजिडेंट के रिलेटेड, उसके बाद 11 से लेकर 25 में आपका डायरेक्टिव मिनिस्टर स्टेट पॉलिसीज. डियर ये सेक्शंस यही वो रियलिटी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीजें हैं. ठीक है, उसके बाद 26 से लेकर 45 में एग्जीक्यूटिव वाला मैटर्स आ जाता है, देन स्टेट लेजिस्लेटिव में 46 से लेकर 92 में सेक्शन जितनी भी हैं उनमें मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव का मैटर आता है, उसके बाद 93 से लेकर 113 में हाई कोर्ट का मैटर, 114 से लेकर 123 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर, उसके बाद 124 से लेकर 137 में पब्लिक सर्विस का मैटर, 138 से लेकर 148 इलेक्शन, देन उसके बाद 143 से 146 मिसलेनियस वाला मिसलेनियस प्रोविंसेस होते हैं, 147 में अमेंडमेंट्स आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद 153 से लेकर 158 ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1959 आता है. इस अमेंडमेंट में जो अमेंड किए गए थे सेक्शंस को उनमें से जो फर्स्ट सेक्शन थे वो थे 99, उसके बाद सेक्शन 99(2)(3) को ओमिट किया गया था, उसके बाद सेक्शन 100 में 102 को ओमिट किया गया था, उसके बाद सेक्शन 13(a) को इंसर्ट किया गया था जिसमें क्या चीजें थी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज एंड दे होल्ड ऑफिस टिल अटेन द एज ऑफ 62 इयर्स. मतलब जब तक वो 62 इयर्स के नहीं हो जाते तब तक एडिशनल या एक्टिंग जज जो हैं वो ऑफिस में रह सकते हैं. दूसरा दूसरी जो अमेंडमेंट है वो है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1963, और इसमें जो गवर्नर है वो एक्चुअली नॉमिनेट करते हैं एट मेंबर्स को इंस्टेड ऑफ 6 फ्रॉम डिफरेंट स्पेयर्स जैसे आर्ट, साइंस, कॉर्पोरेट मूवमेंट्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965. इसमें इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, फर्स्ट शेड्यूल को ओमिट किया गया था जिसमें अंडर सेक्शन 148 से लेकर 52 तक ओमिट किया गया था, और इसमें क्या क्या था सेक्शन 148 और 152 को ओमिट किया गया था. इसमें क्या क्या था, एक था सदर रियासत जिसको रिप्लेस किया गया गवर्नर के साथ, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बाय चीफ मिनिस्टर. आप सबको पता है जैसे मैंने पहले बताया कि यहां पर क्या होता था, पहले यहां पर होता था सदर रियासत मतलब प्राइम मिनिस्टर सॉरी गवर्नर और वजीर आजम मतलब प्राइम मिनिस्टर, देन उसके बाद 1967 के बाद ये सब चेंज कर दिया गया और इसको चीफ मिनिस्टर गवर्नर में इंक्लूड कर दिया गया. तो यही वो चीजें हैं अंडर 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 के थ्रू इन सेक्शंस को मीट किया गया था. नेक्स्ट फोर्थ पे है 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975. इसमें सेक्शन 48 को अमेंड किया गया था जिसमें 20 सीट्स को रिप्लेस किया गया था 24 सीट्स में. उसके बाद 16th अमेंडमेंट एक्ट 1997, इसमें सेक्शन 52 को अमेंड किया गया था जिसमें नॉर्मल लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सटेंड किया गया 5 साल से लेकर 6 साल, मतलब पहले 5 साल थी उसको 1 साल एक्सटेंड हो किया गया. नेक्स्ट आता है 18th अमेंडमेंट एक्ट 1987, इसमें 7th शेड्यूल को एड किया गया स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है विद एंटी डिफेक्शन लॉ. उसके बाद 7th नंबर पे आता है 20th अमेंडमेंट एक्ट 1988 जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो कंसिस्ट ऑफ 111 मतलब
111 मेंबर्स की, उसको चूज किया जाता है बाय, चूज किया जाएगा बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 8 नंबर के जो बात करें वो आता है आपको 21st अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस करके, मतलब 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया. उसके बाद आता है आपका पोर्शन अमेंडमेंट एक्ट 26th अमेंडमेंट एक्ट 1999, जिसमें रीजनल लैंग्वेज गुजरी को ऐड किया गया था आपके 6th शेड्यूल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स की. तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वो ओमिट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ओमिट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K 6th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंड 1965 में. ठीक है, मतलब 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 में इस शेड्यूल को ओमिट किया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की. एक्चुअली मैं रिपीट पता है क्यों करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ नहीं आया. ओके, अगर आप थोड़ा इससे इरिटेटेड होते तो आई एम सॉरी, बट ये मेरा ना, मुझे पता नहीं क्यों मैं बार बार चीजों को कोशिश करता हूँ कि मैं पहले बोल के, मुझे लगता है मैं इसको फिर से आसान भाषा में समझा सकता हूँ, इसलिए मैं डबल बार कभी कभी कोई लाइनें रिपीट कर देता हूँ. नेक्स्ट सेकेंड शेड्यूल में जो है वो आता है एमोलूमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस टू द गवर्नर. थर्ड शेड्यूल में सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस टू द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन. फोर्थ शेड्यूल में सैलरी अलाउंसेस कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू द जज ऑफ हाई कोर्ट. फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया, फॉर्म ऑफ ऑथ अफर्मेशन ऑफ मे टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर और सॉरी मिनिस्टर जजेस एटेस्टर. सिक्स्थ शेड्यूल में रीजनल लैंग्वेजेस डोगरी, गुजरी, कश्मीरी, बाल्टी, पंजाबी, पहाड़ी, इनके बारे में दिया गया. और सेवन्थ शेड्यूल में प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफाई एंड ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड जो है वो सेवन्थ शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया. सो गाइज, ये था आपका जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज रिलेटेड विद दिस कंटेंट. मैंने सारा डिस्कस कर दिया है इस वीडियो लेक्चर में एंड आई होप कि ये जितना भी मैंने बताया ना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज को क्रिप मैंने एक लेक्चर बताया आपको, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला. अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना. ओके, और अपना फीडबैक जरूर देना मुझे. और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय.